हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। तो आई होप आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा और आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि सही नोट्स कैसे बनाए जाए। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि जो नोट्स होते हैं वो आपके सबसे बड़े हथियार हैं जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि नोट्स ही है जहाँ से आप पढ़ने वाले हो, नोट्स ही है जहाँ से आप रिविजन करने वाले हो, और नोट्स ही होंगे जो लास्ट टाइम पर आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे, और नोट्स का बहुत प्रॉपर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं आज हम लोग की नोट्स में क्या क्या चीज़ें होती है आप लोगों को ध्यान रखनी होती है वाइल प्रिपेयरिंग द नोट्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थ्योरी नोट्स की, कि थ्योरी नोट्स के अंदर यानी कि जब आप लेक्चर पढ़ रहे होते हो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, उस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप लेक्चर देख रहे हो तो नोट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आपके होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड भी करनी चाहिए। सबसे पहला आ जाता है राइट कंप्लीट कंटेंट। इसका मतलब यह है, चाहे आप ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, बोर्ड पे जितना भी लिखाया जा रहा है आपको, आपके सामने बोर्ड पे जितना भी लिखा हुआ है आपकी नोट्स कॉपी के अंदर वो बिल्कुल होना चाहिए। चाहे फिर वो एक मजाक हो, चाहे फिर वो कोई एक एग्जाम्पल हो, किसी भी तरीके का हो सकता है वो एग्जाम्पल, चाहे वो कोई ट्रिक हो, चाहे वो हिंदी या इंग्लिश में लिखी हुई कोई बात हो, हर एक चीज़ आपकी थ्योरी नोट्स के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न क्या होता है भाई? बड़ा सिंपल सा रीज़न है, जब आप नोट्स को रिवाइज करोगे, हो सकता है आपने एक टॉपिक पकड़ा, आप टॉपिक को पढ़ने लगे, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने पर आप क्या हो गए? फंस गए। अब वहीं पर अगर आपने चीज़ें सही से लिखी हुई होंगी, जो भी आपको बोर्ड पे लिखाया गया था, अगर आपने सब कुछ कवर अप किया हुआ है तो आपको वो चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी, अदरवाइज आपके दिमाग में वो एक डाउट क्रिएट कर देगी कि यहाँ पर क्या बात की गई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बोर्ड पर जितना भी लिखाया जाता है, चाहे फिर वो कोई भी एक हंसी मजाक का एग्जाम्पल हो, चाहे कोई एक रेफरेंस भी हो, वो सारा का सारा आपके थ्योरी नोट्स में होना चाहिए। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए एक और पॉइंट ऐड अप कर देता हूँ। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि फैकल्टीज आपको लिखा नहीं पाती हैं, वो सिर्फ आपको डिक्टेट करती हैं, मतलब इन द सेंस सिर्फ वो समझाती हैं, लेकिन अगर कोई फैकल्टी आपके सामने किसी पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर डाल रही है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, और अगर वो नहीं लिखा रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से हिंदी या इंग्लिश में या फिर इंग्लिश में उस चीज़ को ज़रूर नोट डाउन कर लें, ताकि जब आप रिवाइज करें तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। दूसरा होता है अंडरस्टैंडेबल टू यू। अंडरस्टैंडेबल टू यू का मतलब है कि भाई, काफ़ी बार स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, बढ़िया सजा सजा के लिख रहे होते हैं, इनफैक्ट 3 या 4 कलर के पेन रख लेते हैं अपने पास में, हेडिंग का अलग, सब हेडिंग का अलग, जो कंटेंट अंदर लिख रहे हैं उसका अलग, एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं उसका अलग, तो 4 पेन हाथ में होंगे तो 4 पेन आपको बार बार क्या करने पड़ेंगे, स्विच भी करने पड़ेंगे। एंड बिलीव मी, आप लोगों को लग रहा होगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, एक्चुअली में आपका कहीं ना कहीं टाइम लॉस होता है। अगर आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपका कोई ना कोई पार्ट मिस हो जाए, पहले ही कोई फैकल्टी बोर्ड को इरेज कर दे, जो भी लिखा हुआ है हटा दे, या फिर आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं तो वो हो सकता है जो 1.5 घंटे का लेक्चर है वो कुछ और ज़्यादा प्लस में चला जाए, मतलब और आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाए। तो मेक श्योर कि भाई आप जो भी लिख रहे हो, मैक्स टू मैक्स, मैं तो सबको यही कहता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, कि भाई 2 कलर के पेन मैक्स टू मैक्स रखो, मैं तो कहता हूँ 1 ही रख लो, काफ़ी है। अगर आप 1 पेन भी रखते हो तो बहुत आसान है, जब भी आप हेडिंग लिख रहे हो तो उसको एक एनसर्कल कर दो, उसको एक बॉक्स में बंद कर दो, ताकि आपको पता चल जाए कि यार ये हेडिंग थी, ये आपके पास में नया टॉपिक था, ठीक है। उससे क्या होता है ना, जब आप पेन स्विचेस करते हो तो टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, और जब आपके पास 1 ही पेन होगा तो जो टाइम वेस्ट है वो कम होगा, क्लियर है। तीसरी चीज़, सॉल्व क्वेश्चंस। ये भी आजकल मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के अंदर देखा है कि वो क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चंस क्लास के अंदर थ्योरी में कराए जाते हैं, जो भी आपको क्वेश्चंस नोट डाउन कराए जा रहे हैं, फिर वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, वो उस क्वेश्चन को एक अलग से रफ कॉपी में क्लास के अंदर ही, वाइल ड्यूरिंग द क्लास ही, वो इसको अलग कॉपी के अंदर सॉल्व करते रहते हैं, उसका सॉल्यूशन वही निकालते हैं, एंड देन उसको फेयर करने के लिए अपनी जो मेन थ्योरी कॉपी होती है उसमें करते हैं। आई विल स्टिल रिकमेंड यू, ऐसा बिल्कुल ना करें, इससे आपका नुकसान क्या होगा आप ये जानिए। जब आपने उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को एक अलग कॉपी में लिखा है, फिर आप क्या करोगे, उसको वापस से अपनी थ्योरी कॉपी में डालोगे, या तो ड्यूरिंग द क्लास आप ये काम करने वाले हो, या फिर आफ्टर द क्लास यानी कि घर जाके आप ये काम करने वाले हो। आप अगर घर जाने के बाद ये काम कर रहे हो तो यू आर स्टिल वेस्टिंग योर टाइम, आप कुछ भी नया नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप एक कॉपी पेस्ट का काम कर रहे हो, सिर्फ छापने का काम कर रहे हो। और ड्यूरिंग द क्लास अगर आप ये काम कर रहे हो तो आगे जो और भी क्वेश्चंस आने वाले होंगे उसमें आपका डिले हो जाएगा, ऑब्वियसली आपको सामने से सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन के बारे में सोचोगे नहीं, तो फिर आप आगे आने वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। तो मेक श्योर, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप अपनी
थ्योरी कॉपी में ही करो, हो सकता है कुछ पेजेस वेस्ट हो जाएं, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, उसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी है, आप एक और नया नोटबुक खरीद सकते हो। एंड एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा नोट से रिलेटेड ही, आप जब भी एक नोटबुक परचेज करें ट्राई टू परचेज अ थिक नोटबुक, मतलब आप एक अच्छी खासी मोटी नोटबुक परचेज करें लाइक 300 to 400 पेजेस की। उसका रीज़न ये है जब आप एंड ऑफ द ईयर देखोगे तो एंड ऑफ द ईयर आपके पास अगर पतली नोटबुक हुई तो काफ़ी ज़्यादा नोटबुक्स हो जाएंगी, तो एक तो आपको उनको हैंडल करने में इशू आएगा क्योंकि कहाँ नोटबुक रखी हुई है और मिसप्लेस भी इजीली हो सकती है। जब आपके पास एक ही नोटबुक होगी तो एक नोटबुक ऑब्वियसली आप लोग सब घर पे रखते होंगे तो वो कहीं पर भी मिसप्लेस नहीं हो पाएगी, और कम नंबर ऑफ रजिस्टर्स देख के आपको थोड़ी जो टेंशन है, जो थोड़ा स्ट्रेस है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो भी कम होगा कि हाँ ज़्यादा रिवाइज नहीं करना है, इतनी ही कॉपी रिवाइज करनी है, मेक श्योर टू दैट। और एडिशनली मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जो स्पाइरल टाइप्स के रजिस्टर आते हैं जहाँ पर स्पाइरल बाइंडिंग होती है ना जिन उन रजिस्टर्स में, वो परचेस करें, वो उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप उसको फोल्ड कैसे भी कर सकते हो, उसमें पेजेस क्या होते हैं ईजिली टेयर अपार्ट नहीं होते हैं। नॉर्मल जो हमारे पास नोटबुक्स होती हैं जहाँ पर स्टेपल किया होता है, उन नोटबुक्स में से क्या होता है पेजेस गायब होने लग जाते हैं, तो ट्राई टू मेक श्योर कि आप एक स्पाइरल नोटबुक का ही इंतजाम करें। एक और चीज़ अभी के समय में बहुत ऑब्जर्व करने लगा हूँ स्टूडेंट्स के अंदर कि वो क्या करते हैं, वो जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको एज अ रफ नोट्स की तरह ट्रीट करते हैं और फिर घर जाके उन्हीं नोट्स को क्या करते हैं, घर जाके उन्हीं नोट्स को फेयर करने की कोशिश करते हैं, जैसा इन जनरल हम लोग स्कूल के अंदर भी करते आते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जैसा मैं कह रहा हूँ इससे आपका बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। जो टाइम आपको सेल्फ स्टडी में देना चाहिए था वो टाइम आप नोट्स बनाने में दे रहे हो, एंड देन उसके बाद आप ऐसे प्रिटेंड करोगे कि मैं तो पढ़ाई ही कर रहा था, एक्चुअली में आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे, उससे आपका कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। काफ़ी लोग कहते होंगे आपको कि वापस से लिखने से चीज़ें याद रहती है, कितना लिखोगे भाई, बहुत बड़ा सिलेबस है जिस चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका सिलेबस बहुत बड़ा है, कितना लिखोगे, रैदर पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि जब आप पढ़ने की आदत डालोगे तो आपकी बुक्स पढ़ने की भी आदत डलेगी, क्योंकि बुक्स में से तो आप कॉपी पेस्ट कर नहीं सकते हो, उसमें तो बहुत सारा कंटेंट है, तो जब आप पढ़ने की आदत डालोगे ना नॉर्मल जब आप रिविज़न करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। तो एक और पॉइंट आप यहाँ पर ऐड कर देते हैं कि भाई आप लोग जो भी लिख रहे हो वो फेयर ही है, अंडरस्टैंडेबल का मतलब होता है जो भी आप लिख रहे हो वो सिर्फ आपको समझ में आए। देखो एट द एंड ऑफ द एग्जाम जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप किसी को भी नोट्स बेचने नहीं जाओगे, क्योंकि आपके ऐसे नोट्स बहुत ज़्यादा वर्थ इट नहीं होने वाले हैं, तो नोट्स हमें बेचने नहीं है, इतना दिमाग में रखो। हमारे फ्रेंड को अगर नोट्स की ज़रूरत है तो भाई देख ले, तेरा काम चल जाए तो ठीक है, नहीं चले तो वापस लौटा दे, मुझे मेरे नोट्स समझ में आते हैं, दैट्स इट। आपको नोट्स हमेशा ऐसे बनाने हैं जो आपको समझ में आए, दुनिया को आपको नहीं समझाना है, सिर्फ आपको समझ में आने चाहिए कि आपने क्या लिखा। तो ये तो बात हो जाती है हमारे थ्योरी नोट्स की जो कि आप लोग क्लासरूम के अंदर करते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स का क्या करना है, शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाना है। तो भाई शॉर्ट नोट्स के लिए ऑब्वियसली एक शॉर्ट बुक लीजिए, है ना, बहुत बड़ी आपको नोटबुक लेने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटी किताब होनी चाहिए जिसको आप ईजिली कैरी कर सको, ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा एक रजिस्टर आ चुका है आपके हाथ में जिसको आप कैरी भी नहीं कर पा रहे हो, देन उसके बाद में शॉर्ट नोट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। शॉर्ट नोट्स हमेशा ऐसी कॉपी लीजिए जहाँ पर आप उसको ईजिली कैरी कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स कब बनाने होते हैं, तो शॉर्ट नोट्स आपके पास दो ऑप्शन है, शॉर्ट नोट्स आप चाहो तो चैप्टर के खत्म होने के बाद भी बना सकते हो, या फिर जिस दिन आप थ्योरी रिवाइज कर रहे होते हो, जैसे आज आपने कुछ पढ़ा है और आज आप उसको रिवाइज कर रहे हो, तो आप शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी अपने साथ रखिए, थ्योरी नोट्स की जो कॉपी है आपकी वो तो साथ में रहेगी सही, उसमें से काम काम की चीज़ें जो हैं वो आप लिखते जाइए। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो शॉर्ट नोट्स को ही लॉन्ग नोट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उनके शॉर्ट नोट्स और थ्योरी नोट्स के अंदर कोई फ़र्क दिखता ही नहीं, ये काम बिल्कुल भी ना कीजिए भाई। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है शॉर्ट एंड सिंपल, देखो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए शॉर्ट नोट्स, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए शॉर्ट नोट्स कि आपने पूरी थ्योरी छाप दी फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा यार यहाँ से यही पढ़ रहा हूँ तो क्या फ़ायदा। शॉर्ट नोट्स लास्ट टाइम मोमेंट के आपके काम आते हैं, तो सबसे पहला मैं कहता हूँ ओनली की पॉइंट्स, आपको एक थ्योरिटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो उसमें की पॉइंट्स का कैसे कैसे ध्यान रख सकते हैं। लेट सपोज करो आपके सामने एक टॉपिक आता है एटॉमिक रेडियस, तो अब आपको यहाँ पर एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन नहीं लगनी है कि भैया द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, ये सब कुछ नहीं लिखना है, आपको वहाँ पर लिखना एटॉमिक रेडियस एन शेल नंबर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, जेड इफेक्ट पे इनवर्सली डिपेंड करता है, दैट्स इट। एटॉमिक रेडियस में आपको इतना ही चाहिए, एटॉमिक रेडियस में आपको इतना ही चाहिए कि हाँ शेल नंबर पे डायरेक्टली और इनवर्सली टू जेड इफेक्ट, खत्म।
इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है उससे रिलेटेड। और अगर कोई एक्सेप्शनल ट्रेंड्स इनऑर्गेनिक के अंदर, जो कि आप जानते हो काफी मिलते हैं, अगर कोई एक्सेप्शनल रिएक्शन या एक्सेप्शनल ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं वो आप जरूर नोट डाउन करके रखें, क्योंकि देखो रेगुलर ट्रेंड तो हमें हमेशा याद ही रहते हैं, लेकिन जो एक्सेप्शनल ट्रेंड्स होते हैं उन्हीं को हम भूल जाते हैं। तो आपके सामने वो शॉर्ट नोट्स में लिखे रहेंगे तो आपको ईजी होगा रिवाइज करने में, और वो एक्सेप्शनल ट्रेंड्स या रिएक्शन जो होती है वही ज़्यादा पूछी भी जाती है। तो मेक श्योर कि आपके पास में सिर्फ की पॉइंट्स ही कवर हो रहे हो, पूरी की पूरी थ्योरी कवर नहीं हो रही हो। कोई भी डेफिनेशन आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर नहीं लिखनी है। अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो देन आप नए थ्योरी नोट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लियर है। इसके अलावा आपको इसमें क्या लिखना होता है, इसके अलावा आपको शॉर्ट नोट्स में कुछ ट्रिक्स जो आपको बताई जाती हैं, ट्रिक्स कुछ ऐसी ट्रिक्स जो आप डायरेक्टली रिमेंबर नहीं कर सकते हो, आपको लगता है डिफिकल्ट है, मेरे लिए मुश्किल है, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसा कंसेप्ट है जिसका जुगाड़ है। ट्रिक्स का मतलब हो गया आपके पास कोई जुगाड़, आपको क्लास में बताया गया है कि इस जुगाड़ से इस सवाल को करते हैं, तो वो जुगाड़ आप जरूर लिखिए। एंड इसके अलावा फॉर्मुलेस तो आपको ऑब्वियसली लिखने ही होते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फॉर्मुलेस तो आपके सामने जितने आ जाते हैं, पूरा चैप्टर जब आप पढ़ रहे हो, लाइक आपने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिकल केमिस्ट्री में मूल से आप चालू है, तो भाई मूल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एन ए, और वो बहुत ज़्यादा स्पेस आपकी ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। सेम चीज़ मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट्स के लिए भी बोलूँगा कि शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स आपको ऐसे बनाने जो सिर्फ आप पढ़ सके और आपके ही काम आए। हमेशा मैं कहता हूँ नोट्स ऐसे बनाओ जो सिर्फ आपके काम आए, अंडरस्टैंडेबल टू यू हो, मतलब इसके अलावा और किसी दिन दुनिया से मुझे मतलब नहीं है कि उनको समझ में आते या नहीं आते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द सेशन, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा एंड देन उसके बाद वो शॉर्ट जो वो नोट्स कॉपी है आप उसको बेचोगे ही सही, है ना, किसी ना मतलब आप रद्दी वाले को ही बेचोगे, किसी और को नहीं बेचोगे जो कि वो देख देख के बढ़िया मस्त बना रखें काम की चीज़ें, नहीं, सब नोट्स अपने खुद से बनाते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, नोट्स आपको खुद से बनाने हैं। आप लाइक अगर आपने क्लास मिस भी कर दी है, कोई क्लास छूट गई है, तो मेक श्योर कि आप नोट्स खुद से कॉपी करें, उनको जेरोक्स ना कराएं, ठीक है। बहुत सारी क्लासेस अगर छूट चुकी है, लाइक आपके 6-7 लेक्चर छूट चुके हैं, तब आप ऐसा काम करें, लेकिन अगर आपके 1 या 2 लेक्चर छूटे हुए हैं, मेक श्योर कि आप खुद से नोट्स बनाएं, क्योंकि जब आप खुद से लिखोगे तो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आप लिख रहे हो वो कहीं ना कहीं एंटर कर रहा है, और जब आप उसको वापस पढ़ोगे तो फिर वो इजीली रिकॉल हो जाए। ओके गाइस, तो चलिए, तो दिस वॉज माई इन्फॉर्मेशन फॉर शॉर्ट नोट्स। मेक श्योर यू डू लाइक द वीडियो, एंड आगे और भी आपके पास में ऐसे मज़ेदार कंटेंट आता रहेगा। टिल देन, बाय बाय।